कोरोना महामारी के काल में एक्सपोर्ट बिजनेस पूरी तरीके से ठप है। इसका सीधा असर प्रदेश के गारमेंट और टेक्सटाइल उद्योग पर दिखा है। यहाँ के उद्योगपति अब एक्सपोर्ट की जगह घरेलू बाजार पर फोकस कर रहे हैं। घरेलू बाजार में फिलहाल सबसे अधिक जरूरत है मास्क की, इसलिए कई गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स मास्क बनाने में जुटे हुए हैं। उनका मानना ऐसा है कि लोकल मार्केट बूस्टअप होगा और इससे ठप हुए कारोबार में मास्क मुस्कान लेकर आएगा। प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला गारमेंट और टेक्सटाइल उद्योग है। यहाँ लगभग 20,000 करोड़ का सालाना कारोबार होता है। इसमें से 40% एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी है। गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 5,00,000 लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन कोरोना महामारी ने सब ठप कर दिया। गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को विदेशों से मिले ऑर्डर होल्ड हो गए, घरेलू बाजार भी ठप है। ऐसे में मांग है तो केवल मास्क की। सरकार ने भी कोरोना से बचाव के लिए लोगों के बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे बाजार में मास्क की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए जयपुर के गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स भी मास्क बनाने में जुट गए हैं। कंपनीज के डिजाइनर भी मास्क को आकर्षक बनाने के लिए नए नए डिजाइन इजाद कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, आज हम गारमेंट इंडस्ट्री में बैठे हैं तो क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे हमारे को रोजगार मिले, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे परिवार हैं, उनको ये सब चीजें सुविधा मिलनी चाहिए कि वे कैसे करके हमारे रोजी रोटी चले। तो हमने ये मास्क बनाने का शुरू किया और बहुत सारी R&D करने के बाद मेरी टीम ने मास्क बनाए। तो हम लोगों ने, हमारा खुद का नेटवर्क था पूरे इंडिया में, करीब हमारे 25 डिस्ट्रीब्यूटर पहले मौजूद थे और 1800 रिटेलर हैं गारमेंट्स के, उन लोगों का हमने सप्लाई किया। इसके लिए फार्मा के हमने 40 डिस्ट्रीब्यूटर अभी ऐड किए हैं, तो करीब हमारे पास 65 डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 100 से ज़्यादा रिटेलर्स उपलब्ध हैं, वहाँ पर हमारा माल जा रहा है। इसके अलावा बाहर की कंट्रीज में जो लोकल बाइंग हाउसेस हैं, जो जयपुर में मौजूद हैं, उनके स्पेन में और US में ऑफिसेस हैं, उन लोगों ने हमारे वहाँ के स्पेन और US के लिए माल वहाँ से लिया है। मास्क की जोरदार मांग से बाजार में कई मास्क आने लगे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ता का भ्रमित होना लाजमी है कि आखिर कौन सा मास्क लिया जाए जो कोरोना से सबसे बेहतर बचाव करे। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SK सरकार की राय जानी तो उन्होंने बताया कि कौन सा मास्क कोरोना से बचाव में बेहतर होता है। देखिए, जो बेस्ट मास्क होता है वो तो 3 लेयर का मास्क होना चाहिए, मतलब एक बाहर हो, एक अंदर हो और बीच के अंदर पॉलीप्रोपाइलिन का एक लेयर हो। इसके अंदर क्या होता है कि कीटाणुओं का आवागन, वायरस का आना जाना बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये मास्क बाजार में मिलता है, लेकिन अगर आपके पास ये मास्क नहीं उपलब्ध है तो आप कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को भी आपको 3 लेयर का मास्क बनाना पड़ेगा। कॉटन का कपड़ा प्रेफरेबली होना चाहिए, क्योंकि नायलॉन या जालीदार कपड़ा अगर होगा तो अगर आप उसको कान पे लगाएंगे मास्क को दोनों तरफ से तो उसमें छेद हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएगा, तो उसके अंदर से वो गफ नहीं रहेगा, गफ होना चाहिए कपड़े का। अब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए ब्रांड और लोगो वाले मास्क बना रही हैं। जल्द ही राजनीतिक पार्टियां भी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव चिन्ह वाले मास्क पहनाने वाली हैं। मास्क बनाने वालों ने तो इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। प्रदेश में कांग्रेस और BJP नेताओं की ओर से चुनाव चिन्ह वाले मास्क बनाने के बल्क ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। जयपुर से BK शर्मा की रिपोर्ट।